विभाग अलग है, जहाँ जैसे इसरो है ना, इसरो के लिए जो मशीनें बनती है उसका विभाग यहाँ बैठता है पीछे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और आप सभी का मेरे आज के व्लॉग में स्वागत है। तो जी, कल हम लोग आए थे हरियाणा और आज हम लोग हरियाणा में ही हैं। बसी का ऑफिस का कुछ काम था, उस पर्पज से हम लोग आए थे। तो बस अभी ब्रेकफास्ट हम लोगों का हो गया है और ये पीछे जो आप देख रहे हैं गेस्ट हाउस है, तो हम यहाँ पे रुके हुए थे और इधर है बालकनी पीछे साइड को, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया है, बस अब हम लोग निकल रहे हैं। थोड़ा सा घूमने का प्लान है, देखते हैं कहाँ जाना होता है। आई थिंक यूनिवर्सिटी वगैरह है यहाँ पे, तो वहां हम लोग जाएं देखने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में। अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज व्लॉग को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। हम लोग पहुंच चुके हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और यहाँ पे जो है रवि जी हैं वो यहाँ के एम्प्लॉय हैं और वो हमारे देवर भी हैं, हमारे मतलब जहाँ हमारा गांव है ना उसी साइड के हैं वो। तो वो हमें यहाँ आज घुमाने वाले हैं। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वसीम क्लब? हाँ, तो मैं अब एक बार आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, वो आपको बताएंगे अच्छे से। बोलो। नमस्कार, मेरा नाम है रवि रावत, आपका हरियाणा चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। ये जैसे फैकल्टी हाउस है, हमारा गेस्ट हाउस सरकारी आवास, और आपको सामने दिखाते हैं फैकल्टी क्लब। हाँ, चलिए। तो यहाँ पे पूरा ये ग्राउंड है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं क्लब। ईशु कैसा लग रहा है? अच्छा, जो भी प्रोग्राम होते हैं। ये कौन सा है? टेबल टेनिस। ये सारा टेबल टेनिस सिर्फ 50 रुपया है इसका मात्र खर्चा, जो महीने का सिर्फ महीने का मेंबर बनना, आपको मेंबर बनना पड़ेगा। अच्छा, महीने का 50 रुपए बस? अच्छा, आपको मतलब मेंबर बनना पड़ेगा 1 साल या 2 साल के लिए। बस महीने का 50 रुपए, फिर आप चाहे जिम आओ, योगा करो। अच्छा, 50 रुपए में ओवरऑल जो मर्जी करो, स्पोर्ट्स वगैरह या योगा वगैरह। ठीक है ठीक है। ये योगा हॉल है, योगा हॉल, मेडिटेशन करो। ये क्या है? दीवार में अच्छा, वो जो बॉल के साथ वो करते ना। अच्छा, ऊपर से। अच्छा, यहाँ पे पब्लिक वगैरह खड़े होंगे जो बच्चे होंगे, स्टूडेंट होंगे। शाम को आएंगे, सुबह को आएंगे, दिन में खाली रहता है। अच्छा, दिन के टाइम पे खाली रहता होगा, सुबह और शाम के टाइम पे रहता होगा। जिम सेट क्या जी? ये देखिए, ये दिखाना उन्होंने, ये देखिए। इन चीजों को बोलना ना,
अरे वाह, ये रहा यहाँ का बैडमिंटन कोर्ट। अच्छा, ऊपर फिर से वही बैठने वाला बना रखा है। ठीक है ठीक है। चेयर्स भी है, हाँ खाली है ना पूरा। देखो ये यहाँ पे ना वॉल बनाई है, बट इसमें मतलब डिजाइन जो है इस टाइप से बनाया ना कि यहाँ से पूरी रोशनी आए अंदर को, हाँ लाइट्स आए बाहर से, सनलाइट वगैरह। ये देखो पूरी वॉल ऐसी बनाई हुई है। जिम रूल्स लिखे हुए हैं, चिल्ड्रंस बिलो 15 ईयर ओल्ड आर नॉट अलाउड। बच्चे अलाउड नहीं है इशू। सर्वनंदन आर्या डॉक्टर, कुलपति किरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। ये रहा यहाँ का जिम, और अभी इसमें ना लॉक करा है, तो भैया चाबी लेने गए हैं रवि भीजी। अभी फिर आपको अंदर से दिखाऊंगी मैं। पापा भी ऐसी जाएंगे जिम में यार। बस यार, तो जी ये रहा यहाँ का जिम। म्यूजिक सिस्टम भी है, ये ऑन करके। अच्छा, म्यूजिक सिस्टम भी रखा हुआ है। साइकिलिंग चाहे स्विमिंग करो, योगा करो, जिम करो, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। डाइनिंग टेबल भी अगर खाना हमें बुक करना है। अच्छा, उसका चार्ज अलग होगा पर प्लेट का। हाँ जी, बाकी आपको मेंबरशिप तो उसमें कुछ छूट मिल जाएगी। गेम हाँ पार्क में भी तो लगे हुए इस टाइप के। आप छोटी हो जाओगी इसके लिए। आप छोटे हो जाएंगे, आप उसमें करो रनिंग, इसमें रनिंग करते हैं। साइकिल चलानी है, साइकिल आप करके दिखाओ। पापा ही थोड़ा करके दिखाएंगे सब कुछ। जूते नहीं नहीं जूते शूज के साथ ही करते बेटा। एक बार चल के देखो, पकड़ो आप दोनों साइड, दोनों साइड करो ये। कमर बनाना है, करो भारी भारी दोनों पकड़ो, दोनों हाथों से। भारी हो रहे हैं ये गवर्नर सर है, डीसी सर है, और ये आईजी और गवर्नर साहब के साथ मेजर रैंक के अधिकारी और अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। ये एसबीसी है, मीडिया एडवाइजर है, कमांडो से। और ये लॉन्च आराम से बैठो। ये फ्यूचर सर आईएएस रिटायर्ड है, यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर और संस्थापक थे। अच्छा, पहले वीसी थी यूनिवर्सिटी के जब यूनिवर्सिटी बनी। अच्छा, उस टाइम पे यहाँ से देख, यहाँ से एक लुक दे देगी कितना बढ़िया है। ये केंद्रीय मंत्री ये है, केंद्र कृषि मंत्री। काफी बार हमें ना ये एग्रीकल्चर का अवार्ड मिला, दो तीन बार फर्स्ट आया यूनिवर्सिटी। और ये हमने सीएम सर मनोहर लाल सक्कर, एक बार कोरोना के टाइम में हमने यूनिवर्सिटी ने चेक दिया था, कर्मचारियों ने अपनी तरफ से फंड दिया जो दिया था, ये चेक देते समय ये लॉक करा है, रुको लेके आ रहे हैं। अच्छा, ये रहा डाइनिंग रूम। जो वहाँ के अधिकारी हैं वो इन साइड, हाँ बाकी उस साइड बैठते होंगे, जो उनके जो खास कमांडो होंगे वो उस साइड टेबल में बैठेंगे। अच्छा, वो अलग से सामने वहाँ पे। बाकी सोमवार से दोबारा शुरू हो जाएगा, आपको मेन मेन जगह में मिल जाएगा।
हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। अच्छा नमस्ते, हम बहन है मेरी यहाँ पर ना, तो आपको मिलने आए थे किसी बहाने के लिए, तो बहुत पुराने काफी सर्विस है, बहुत फैमिली की थी। जैसे कोई सरकारी फंक्शन होता है ना, तो यहाँ पे होर्डिंग जो सामने लगी है, मेन आपको यहाँ पता चल रहा है कब क्या फंक्शन है। अच्छा, ये और जितने जो मेन कर्मचारी हैं उनकी, ये गाड़ी साइड को पार्किंग, ये सामने वो ऑफिस, मतलब कोई भी फंक्शन होना है ना तो उसकी होर्डिंग यहाँ लग जाएगी, पहले लग जाएगी, तो लोगों को पता चल जाएगा क्या फंक्शन है क्या नहीं है। इसकी सुरक्षा विभाग, मुख्य सुरक्षा विभाग यहाँ बैठे, जीप से खड़ी है, बिल्कुल दो जिप्सियां आपको हमेशा 24 घंटे मिलेंगे सुरक्षा के लिए। अच्छा, वो जो सामने खड़ी है, इनका नंबर दिया होता है, ये हमारा मेन ऑफिस है, यहाँ पे सुरक्षा विभाग बैठता है नीचे, ये यहाँ जो अपने सुरक्षा कर्मी है। अच्छा, इंस्पेक्टर या जो उस लेवल के अधिकारी हैं, और उसके जस्ट साइड में डीसी सर का ऑफिस है, ये मेन ऑफिस हुआ यहाँ का। हाँ, मेन, इसको कहता है एडम ब्लॉक, एडम ब्लॉक आ गया, एडम ब्लॉक। सामने आप देख रहे हो ना, ये वो लाइब्रेरी है, आपको दुनिया की सारी किताबें यहाँ मिल जाएगी। अच्छा, लाइब्रेरी में, हाँ जी, मतलब इतनी अच्छी हुआ लाइब्रेरी। ये गेट की तो नहीं, मेन गेट की, एग्री टूरिज्म सेंटर। हाँ, रवि कहाँ लगा दूँ गाड़ी, गाड़ी कहाँ लगानी भैया, ये मेन रोड पे लगा दूं? हाँ, क्रॉस कर लेंगे। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे, ये है क्या चीज भैया? ये देखो, एग्री टूरिज्म सेंटर, जैसे अब अगले दो तीन महीनों में फूल अच्छे आएंगे, गार्डन। अच्छा, गार्डन होगा पूरा, एग्री टूरिज्म सेंटर। आपको थैंक यू बताते हैं। आ जाओ इशू, यहाँ पे ना जनवरी के टाइम पे लगता है ना भैया, हाँ, फूलों का मेला टाइप का लगता है, तो उस टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के फूल लगते हैं। तैयारी चल रही है, सिर्फ दो दिन कोई बड़ा मिनिस्टर यहाँ आके उद्घाटन करेगा, देखने आएंगे दो दिन के लिए। तो तैयारी तो अभी से चल रही होगी इसकी। इसके अंदर है ना, इसमें रिसर्च करते हैं स्टूडेंट, गर्ल्स बॉयज जो अलग अलग विभाग है, ये कोई फूलों वाले में या सब्जी वाले में, इसके अंदर वो रिसर्च करते हैं। देखो पूरा, अच्छा, इसके अंदर, हाँ जी, पूरे बना रहे हो ना, ये सीट लगा रखे हैं, ये ऊंची होते हैं, उसके अंदर वो होते हैं। हेलो, अरे इशू देखो, हेलो, मशरूम है, मशरूम, मशरूम खा लो। इसी फ्लावर नहीं प्लग करना यार, इसको कुछ तो कहते हैं, क्या नाम है इनका, नाम भूल गई मैं। वाओ यार, यहाँ पे कितने सारे फूल हैं यार, मनु जी, फ्लावर यार, ये अंदर रिसर्च हो रहा है, अंदर भी फूल लगे हुए हैं, ये मेन गेट है। मैं आपको बताता हूँ, ये देख, ये बोलना क्या, वो देख रेड वाले, ये देख और ये देखे, ये एक साथ ही लगाए होंगे यार, ये सेम है पर कलर अलग अलग है इनके। हाँ, देख ले, पौधे तो सेम डिजाइन के है ना, और ज्यादातर यहाँ यही चल रहे हैं, ये सीजन इन्हीं का होगा शायद, इन्हीं पौधों का होगा ना, इन्हें वीडियो बना दो ना। देखो यहाँ पे ऑरेंज, ये किसके भी ऑरेंज के हैं, नींबू के, देखिए ये जो पाइपिंग डाल रखी, देखिए ध्यान से देखा इसको, यहाँ पर ना पानी अपने आप जाता, देखिए ये ब्लैक वाली है जो, हाँ, जिसे कहता है वाटर, क्या होता है, आराम से ड्रेन होता है यहाँ पर। अच्छा, और ये देखिए दीजिए, ये है क्या माल्ट, ये माल्टा ही है, ऑरेंज, हाँ हाँ वही वे ऑरेंज, पूरी यार कितने बड़े बड़े दाने, ये देखो यहाँ पे ऑरेंज लगे हुए, बहुत सारे पेड़ हैं, सारे माल्टे के पेड़ हैं यहाँ पे। इसमें कितने बड़े बड़े दाने हो रखे,
ये अलग फ्रूट है, हाँ, इसको है? दिया गया ग्रेपफ्रूट, इसको कहते हैं ग्रेपफ्रूट। ये देख यहाँ से दिखाई, ये जो आप लाए थे वो तो नहीं है ये? नहीं नहीं, इसको कहते हैं ग्रेपफ्रूट। जैसे आपने ठीक बेचना हो अमरूद तो हम कांटेक्ट देते हैं एक ठेकेदार को, वो अपना जब मन करेगा तोड़ देगा, लेकिन उसको एक महीने के लिए दिया जाएगा छूट, एक महीने के अंदर तोड़ देगा वो। हाँ जी, हाँ जी। और फिर जो बेच के पैसा आएगा वो यूनिवर्सिटी? नहीं, हम पहले पैसे उससे पहले ही ले लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अच्छा, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। बाहर 50 रुपए किलो बेचे अमरूद, हम 30 रुपए किलो में दे देंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा, कम में दे देंगे। यहाँ इस साइड से हो रहे हैं बेलपत्री के, देखो। हाँ, ये देखो, अब आप देख पा रहे होंगे इस साइड से बहुत सारे हो, और ये तो कहते हैं कि 10-10 किलो का भी होता है। हाँ, एक जो एक दाना जो होता है ना भैया, कहते हो 10-10 किलो का भी होता है, इतने बड़े बड़े दाने होते हैं इसमें। ये देखो फ्लावर्स, ये तो ये हैं, ये देखिए, ये जो ये देखिए, ये जो वेजिटेबल्स यहाँ पर लगाए ना, जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर गोभी के हैं, बैंगन के हैं, तो इनकी जो खासियत है ना, सारे ऑर्गेनिक है, मतलब कोई बेफालतू का, मतलब वो कहते हैं ना कि खाद वगैरह यूज नहीं, मिलावट कोई नहीं। अगर अब देखो ध्यान से देखोगे तो बैंगन आप देख पाओगे, बैंगन हो रहे हैं, ये लंबे वाले, ये गोल वाले होंगे शायद, है ना? हाँ, जो गोल वाले होते हैं ना हमारे। मगर अगर आप देखोगे तो ये देखो, अच्छा, क्या क्या है? रेड कलर वाली नहीं होती जो गोभी सैलेड वगैरह में यूज करते हैं, उसका पौधा है छोटा सा, है ना, रेड कलर का, जो साइड को लगे वो पौधे, वो ब्रोकली है उस साइड में भी। अच्छा, ब्रोकली। अच्छा, इस तरफ को ब्रोकली, मतलब अगर हम कह रहे हैं तो ये यहाँ पर है सारा, सैलेड में भी यूज कर सकते हो, ब्रोकली है, गोभी है, मतलब ये देखिए, ये देखिए जो हम सैलेड में ज्यादातर यूज करते हैं, ये देखिए, और ये देखिए, ये यहाँ पे जो है ये गेंदे के फूल हैं, इनकी ना छोटी जाति होती है ना भैया, छोटे में होंगे ये ना, इनकी हाइट इतनी होती है, लेकिन वैरायटी इनकी कई है। हाँ, इसके अलग से बनाऊंगी जी। देखो अगर आप इसके अंदर आप ध्यान से देख पाओगे ना, तो ये एक ना हर्ट है, हर्ट के अंदर सारे जो ये प्लांट्स रखे हुए हैं, और यहाँ पर क्या है कि इनके अंदर वेजिटेबल्स हो गए और अपने जो फ्लावर्स हो गए, और अंदर एसी लगा स्पेशल ये स्टूडेंट्स के लिए कि ये इन पे रिसर्च कर पाए, फर्दर स्टडी कुछ कर पाए, क्या है क्या नहीं है, तो ये सिर्फ उसी पर्पज के लिए, और ये सिर्फ उन्हीं को अलाउड होता है। हाँ, कोई ऐसे नहीं जा सकता इसके अंदर, मतलब हम ये ना अभी लॉक करा हुआ है, हम लोग यहाँ पे अंदर नहीं जा सकते, इसलिए आपको बाहर से दिखा। ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये सिर्फ छोटे छोटे से हैं रिसर्च सेंटर के लिए। ये देखिए, ये अंदर है, ये अगर आपको लग रहा होगा शायद ऐसे है कि हट के अंदर है, ये देखिए, ये जैसे नर्सरी एक बना रखी है उसके अंदर है स्पेशल। हाँ, नर्सरी कहेंगे। ये देखो अभी ये है एग्जांपल, जैसे एक ये हट तैयार होती है, ये अगर आप देखोगे पाइपलाइन बिछाई हुई है सारे पौधों के लिए, और इस तरफ देखो अभी भैया तैयार कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से होती है। अभी गर्मी कितनी हो रही है? हाँ, गर्मी है यहाँ पर, तो एसी वगैरह भी रखते होंगे ना भैया? हाँ जी, नहीं अभी इसमें नहीं। अच्छा, इसमें नहीं लगेंगे, ये टेम्परेचर के हिसाब से बना रखते हैं। अच्छा, और ऊपर देखोगे, अगर ऊपर भी देखो ये पाइपिंग डाली है जिसमें पानी आते रहेंगे, देखिए। हाँ जी, क्या मशरूम भी मिलेगी? मशरूम विभाग अलग है, जहाँ जैसे इसरो है ना, इसरो के लिए जो मशीनें बनती है उसका विभाग यहाँ बैठता है पीछे। अच्छा, मशरूम भी उसके बैक साइड में मशरूम वाला भी है, और मशरूम के लिए स्पेशल ऐसी हट बनाई होंगे उन्होंने वहाँ, क्योंकि उसको एक तरीके का टेम्परेचर चाहिए होता है। मैंने एक बारी वीडियो देखी थी ना मशरूम की, अगर खेती करने हो आपने। हाँ, मैंने मशरूम की वैसे ट्रेनिंग कर रखी है, 3 दिन की ट्रेनिंग होती है। अच्छा, नहीं जैसे हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग करने आए कर सकते हैं ना, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, और 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, आपको 3 दिन में पूरा रिसर्च के बारे में बताया जाएगा, आप कैसे कर सकते हो। मतलब अगर कोई अगर किसी की इच्छा है वो अपना ऑनलाइन अप्लाई करे, यहाँ आके जो भी 2 या 3 दिन का ट्रेनिंग होता है वो ट्रेनिंग कर सकता है। क्या बात, आपको सर्टिफिकेट भी देंगे ये। अच्छा, नहीं बहुत स्टूडेंट होते हैं ऐसे, जैसे आप मान लो एग्जांपल, अब मैंने ना शुरू करना, मान लो कोई मशरूम की खेती शुरू करनी है, मैं यहाँ आऊंगा ट्रेनिंग लूंगा सीखूंगा तो मेरे को एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
इसका मैंने एक दूसरी ट्रेनिंग करी के भैंस वाली, उसके आपको गाय भैंस के बारे में बताएंगे कि कैसे पाला जाता है, कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है। हफ्ते की ट्रेनिंग होती है इसकी। ट्रेनिंग होने के बाद आपको सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से आपको 24 लाख का लोन मिलेगा। अच्छा, और वो सब्सिडी वाला होगा? हाँ जी, आपको जमीन दिखानी पड़ेगी, उसमें भैंसे दिखानी पड़ेगी, हमारे पास इतने भैंसे हैं, तो आपको सरकार पीछे से सपोर्ट देगी। अच्छा, ये ना यहाँ पे स्पोर्ट्स का है, ट्रैक है सामने स्पोर्ट्स का, बहुत सारे उस साइड को बास्केटबॉल वगैरह भी है, ये रनिंग के लिए, एथलेटिक्स के लिए। एक बात है, हरियाणा में स्पोर्ट्स को बड़ा प्रमोट करते हैं, स्पोर्ट्स को ना। तो ये है ट्रैक यहाँ का, अलग अलग ऐसे दौड़ाएंगे, फिर ऐसे दोनों दौड़ाएंगे, एक को यहाँ दौड़ाएंगे, एक को किलोमीटर के हिसाब से ना, 400 किलोमीटर का रेस है। बड़ी सबके लिए बराबरी होता होगा, जैसे आपको भट्टी में जाना है ना, आपको यही लाइन में खड़े करेंगे सीधा 400 मीटर, एक चक्कर 400 मीटर, और आर्मी में होता है 1600 मीटर। यहाँ पे लिखा हुआ है 4×100, तो एक चक्कर 400 मीटर का, तो आपने तैयारी करनी है, तो आपने 4:45 में 4 चक्कर काटने, इसके आर्मी में आप क्लियर आप करें तैयार। 4:45 मैं तो इसमें वही मैक ब्रेकर रह रहा है, यहाँ से वहाँ भागूंगा वही।